आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। मालदा DRM यतेंद्र कुमार ने भागलपुर समेत कई स्टेशनों का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि भागलपुर रेल यात्रियों को उचित सुविधा दिलाने के लिए DRM ने रूटीन निरीक्षण के तहत मालदा भागलपुर समेत कई स्टेशनों का निरीक्षण किया, जिसमें साहेबगंज, कहलगांव, सबौर व भागलपुर भी शामिल थे। बताते चले कि यह निरीक्षण यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सौंदर्यकरण की व्यवस्था, एस्केलेटर की व्यवस्था एवं टिकट बुकिंग के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर किया गया। वहीं मालदा DRM यतेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी स्टेशनों पर कार्य चल रहा है, उम्मीद है यात्रियों को वह सारी सुविधाएं मिलेगी जो हम लोगों ने सोच रखी है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई। छोटी मोटी त्रुटियां हर जगह होती रहती है, उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद थे। पानी जो यूज करते हैं, पीने वाला जो पानी, तो प्याऊ काफी कम है, उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? नहीं, टैप वगैरह तो लगे, पानी आ भी रहा है। अब ये है कि जो यात्रियों के अलावा कहीं का मिसयूज हो रहा है या उसका, वो हम जांच करा लेंगे कुछ जो अलग वो हो रहा है। बाकी जितने टैप हैं या उनके निर्धारित उतने हैं, मतलब हर एक जगह तो नहीं लगा सकते कि पानी गंदगी आएगा और फिर वो चारों तरफ फैलेगा, और आजकल टाइल भी लग गया है तो वो लोग उससे दुर्घटना की संभावना है। तो जो निर्धारित मानक है और जितने लोग पीते हैं पानी आजकल, वो उनके लिए सफिशियंट है। और बाकी तो लोग आजकल बोतल या उस पर भी हो गए हैं, वो जहाँ जहाँ हैं जितने मेरे ख्याल से समुचित हैं, हमारी जो एक मानक है रेलवे बोर्ड के द्वारा स्टेशन पर इस तरह क्या होने चाहिए, वो पूरे हैं। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।